नमस्कार, मैं अंजना शर्मा। आज से हम ऑनलाइन कथक क्लासेस का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथक नृत्य का इतिहास बेहद ही प्राचीन है। राम दरबार में जब वाल्मीकि के शिष्य लव कुश ने राम कथा को अभिनय के द्वारा गा कर सुनाया, तभी से ये शैली प्रचलन में आई। कथा कहे जो कथिक कहलाए, इस बात की पुष्टि करता है कि भागवत कथाओं को गा कर मंदिरों के प्रांगणों में कथक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कथक उत्तर भारत का एक प्राचीन नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारत का एक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। विभिन्न मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं। आज हम तीन ताल की बात करेंगे। तीन ताल को तालों का राजा भी कहा जाता है। तीन ताल 16 मात्राएं, 4 विभाग, 3 ताली, 1 खाली। जब ताली बजाकर बताया जाता है उसमें बोल उत्पन्न होते हैं, से ताली कहा जाता है। और जब हाथ को एक तरफ दर्शाया जाए यानी कि वो खाली मात्राएं होती है। अब मैं आपको हाथों के द्वारा ताल लगा के बताऊंगी, आप उसको देखिए। पहले हम मात्राओं में लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 अर्थात ये 16 मात्राएं आपको बताई गई है। एक मात्रा से जब 16 मात्रा होता है, एक समूह जब हम एक माला में पिरोते हैं और वो माला पूरी होकर एक जहां नोट लगाया जाता है, वो हमारी पहली मात्रा सम कहलाती है। हमें सम से ही स्टार्ट करके सम पे खत्म करना होता है, यानी कि हमने वो एक जो सर्कल करते हैं उसे आवर्तन कहा जाता है।